हेलो बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 7, दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो आप सब ने फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरह से हमारे माइंड में पहली पिक्चर आती है, तो ग्रीन पार्ट ऑफ द लैंड। हमें बड़ा सूदिंग सा फील होता है जब भी हम प्लांट्स के बारे में सोचते हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो एकदम से यूनिक हैं फ्राम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों? बिकॉज प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना क्यों बना सकते हैं, ऐसा प्लांट्स के अंदर क्या है? तो उनके अंदर ये जो अलग से चीज़ है उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज़ अ ग्रीन कलरिंग पिगमेंट। तो ग्रीन कलरिंग पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट है, इसका काम क्या है? इट कैन ट्रैप द सोलर एनर्जी। जो सन की एनर्जी है उसको ये ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से लीफ के अंदर अपना फूड प्रिपेयर करता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट का फूड प्रिपेयर करने का प्रोसेस है उसका नेम क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस। तो फोटो मींस लाइट। तो हमने देखा सन की लाइट से एनर्जी को ट्रैप किया और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो सिंथेसिस मींस प्रिपेयर करना। तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? ऐसा फूड जहाँ प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो फूड है, ये इस फूड पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं डिपेंड करते हैं। इधर दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है? जो डायरेक्टली का मतलब है, कोई जब हम डायरेक्ट सीधा ही प्लांट्स को ईट करते हैं, जैसे काओ है, तो वो डायरेक्ट डिपेंड करती है प्लांट पे। तो इनडायरेक्टली का मतलब, अगर हम काओ का मिल्क पी रहे हैं तो जो मिल्क है उसके अंदर जो है एनर्जी कहाँ से आई? प्लांट्स के अंदर। क्योंकि अगर काओ जो है वो प्लांट्स को ईट नहीं करेगी तो उसके अंदर एनर्जी नहीं आएगी और वो जो है मिल्क प्रिपेयर नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से ये इनडायरेक्ट। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, सॉरी अदर देन प्लांट्स जो हैं, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फॉर देयर फूड। तो मैंने कहा आपको कि ग्रीन कलरिंग पिगमेंट होती है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें ये वाली पिगमेंट मिसिंग होती है, तो वो प्लांट जो है खुद खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो आज आपको एक न्यू चीज़ पता चली कि सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो प्रिपेयर नहीं करते फूड। कौन से? ओनली ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर फूड, बिकॉज ग्रीन प्लांट हैव क्लोरोप्लास्ट इन देम। जो नॉन ग्रीन प्लांट होंगे वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो भी प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, या फिर वो आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे इसके बारे में। अभी तो फूड का आपको पता चल गया कि प्लांट्स जो हैं फूड प्रोवाइड करवाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हुए प्लांट। और सेकेंडली, जब ये फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स जो हैं साथ साथ में ऑक्सीजन जो है उसे भी एयर में रिलीज करते हैं, और ये जो ऑक्सीजन है दैट इज़ वेरी इंसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल। तो अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम जो है जिंदा नहीं रह सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो इसके अलावा प्लांट्स जो हैं और भी बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हमें देते हैं, जैसे आपका जो ये पेपर है जिस पे हम लिख रहे हैं, आपकी बुक का पेपर है, वुड है, आपका फर्नीचर बना हुआ है, आपके डेस्क बने हुए हैं, आपका बेड है, आपकी चेयर है, देन बहुत सारी मेडिसिंस जो हैं वो हमें प्लांट्स से मिलती हैं। इसके अलावा इतने सारे एनिमल्स को, बर्ड्स को जो है प्लांट्स शेल्टर देते हैं। तो प्लांट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो प्लांट्स जो हैं वो कितनी वैरायटी के प्लांट्स हमारे चारों तरफ होते हैं, अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपके माइंड में कितनी सारी पिक्चर आएंगे, कितने तरह के प्लांट्स आपके दिमाग में आएंगे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कम कोई नियर अबाउट 2 लाख
50,000 टाइप के जो हैं प्लांट का एस्टीमेट है कि ये जो हैं अर्थ पे होते हैं। तो इसको अगर हमने इतने ज़्यादा प्लांट्स को कैसे स्टडी करना है हमें, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है ना ये काम। तो इसके लिए प्लांट्स को सबसे पहले हम दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, एक होंगे फ्लॉरिंग और दूसरे नॉन फ्लॉरिंग। कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको फ्लावर्स लगते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको फ्लावर्स नहीं लगते। तो इसके अलावा अब हम आज हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्लांट जो है उनको कैसे हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो साइज पे डिपेंड करते हुए प्लांट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे साइज में जो है स्मॉल प्लांट्स होंगे, फिर होंगे मीडियम साइज के प्लांट और फिर होंगे टॉल। जो स्मॉल साइज के प्लांट होंगे उनको हम कहते हैं हर्ब्स, और जो मीडियम साइज के प्लांट होते हैं उनको हम कहते हैं शर्ब्स, और जो टॉल होते हैं उनको हम ट्रीज बोलते हैं। जो हर्ब्स होते हैं वो उनकी जो स्टेम, अब हम दूसरा उनका लेते हैं करेक्टर स्टेम का। पहले हमने देखा कि साइज जो है उनका बहुत छोटा है, वो हर्ब है, और जो हर्ब है उसकी स्टेम कैसी है, बहुत सॉफ्ट डेलिकेट स्टेम होती है हर्ब्स की। देन शर्ब की स्टेम कैसी होगी, हार्ड होगी कंपेरेटिव टू हर्ब्स। और जो ट्रीज हैं उनकी भी स्टेम हार्ड होगी और साथ में थिक भी होगी। थर्ड कैरेक्टर हम लेते हैं इनकी ब्रांचेस का। जो हर्ब्स हैं इनके अंदर जो ब्रांचेस होते हैं इधर मिसिंग होती हैं या फिर बहुत फ्यू होते हैं, डेलीकेट सी होंगी। नेक्स्ट है जो शर्ब्स, उसके अंदर जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड के साथ ही स्टार्ट हो जाती हैं, ग्राउंड के साथ ही, जमीन है तो इसके साथ साथ ही ग्राउंड के साथ साथ स्टार्ट होती हैं। अब जो ट्रीज होते हैं इनकी जो स्टेम होती है, सॉरी ब्रांचेस होती हैं वो स्टेम से ऊपर, लेट अस मेक इट मोर क्लियर बाय दिस डायग्राम। हम देखेंगे ऐसे, ये देखिए हर्ब्स कैसे हैं, सॉफ्ट डेलिकेट से प्लांट, जो ब्रांचेस है ही नहीं, अगर है तो बिल्कुल नॉर्मल सी, इतनी छोटी सी डेलिकेट सी। देन शर्ब जो है इनकी ब्रांचेस देखो मेन नीचे से ही स्टार्ट हो रही है, नीचे से। आपने रोज़ का प्लांट देखा होगा, वो जो रोज़ है वो प्लांट नहीं है एक्चुअली, वो क्या है, शर्ब है, और उसकी ब्रांचेस जो है नीचे से। ये ज़्यादातर जो श्रब्स होते हैं उनमें बुशी स्ट्रक्चर होता है उनका, और थॉर्न्स भी होते हैं उनके साथ। अब जो ट्रीज़ हैं देखिए, ट्रीज़ में ये है स्टेम्स का, और ब्रांचेस देखिए, ट्रीज़ की ब्रांचेस कहाँ जाके, ऊपर जाके, स्टेम से ऊपर जाके हैं। तो हर्ब शर्ब और ट्री में आपको डिफरेंस पता चल गया। इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन हर्ब शर्ब एंड ट्री, आई थिंक कि आप तो खुद ही लिख सकते हो कि हर्ब जो है क्या है, शर्ब क्या है और ट्री क्या है। एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स तो आप लिख ही सकते हो। अब जो इनके एग्जाम्पल लेते हैं, जो हर्ब है ये कौन से एग्जाम्पल इसकी हो सकते हैं, आप कोई सॉफ्ट डेलीकेट सा अपने माइंड में ला सकते हो, आपकी मम्मा किचन में यूज करते हैं कोरिएंडर, धनिया है ना। देन श्रब मैंने आपको बताया, रोज़, दो ट्रीज, नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप बता सकते हो। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि वुशी और थॉर्नी, तो रोज़ लेमन जो है वो भी उसकी वो वुशी और उसमें थॉर्न्स होते हैं। देन चाइना रोज़ हो सकता है, और ये जो है आपके हर्ब्स के अंदर वीट, पैडी, ये सारे आ जाएंगे। अब इसके अलावा, अब हमने साइज पे देखा ना, स्मॉल और मीडियम और टॉल। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि बहुत, उनका स्टेम जो है बहुत वीक होता है, वो सीधे खड़े ही नहीं हो सकते, है ना। जैसे हमारी बैकबोन हमारी हेल्प करती है खड़े होने में, अगर हमारी बॉडी से बैकबोन निकाल दो तो क्या हम खड़े हो पाएंगे, नहीं ना। तो इतने वीक होते हैं कि उनको खड़े नहीं हो सकते, और वो क्या हैं, दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक होते हैं क्रीपर्स और दूसरे होते हैं क्लाइंबर्स। ये जो क्रीपर्स होते हैं ये स्प्रेड होते हैं ग्राउंड पे, ठीक है, तो ये इनको हम क्रीपर्स कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे, जैसे आप वाटरमेलन खाते हो वो क्रीपर है। देन क्लाइंबर, क्लाइंबर्स जो हैं इनके अंदर क्या होता है, एक क्वालिटी है कि अगर कोई सपोर्ट मिल जाए उनको साथ में तो उसके ऊपर वो क्लाइंब कर सकते हैं।
ये जो क्लाइंब करते हैं, एक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में डेवलप हो जाता है, इस तरह से एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलप करते हैं, जिसको हम टेंड्रिल कहते हैं। ये जो टेंड्रिल होता है जो कॉइल हो जाता है, स्पोर्ट्स की जहाँ पे एक हमने ये जैसे एक स्पोर्ट पड़ी हुई है किसी क्लाइंबर के पास, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे ऐसे टेंड्रिल को क्लाइंब कर लेगा, तो ऊपर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसको हम क्लाइंब करते हैं। जैसे ग्रेप वाइन आपने देखी होगी कभी लगी हुई, तो ग्रेप जो है, ग्रेप की वाइन जो है वो ऊपर तक चली जाती है इस तरह से। तो क्रीपर क्लाइंबर हर्ब शर्बत ट्री, आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अनदर एग्जाम्पल है एक हर्ब की, बड़ी अमेजिंग लार्जेस्ट जो हर्ब है वो है बनाना ट्री। वो बोलते हैं हम उसे बनाना ट्री है, पर वो क्या है, एक्चुअली हर्ब है। तो आपने देखा किस तरह से हमने डिफरेंट ग्रुप्स में प्लांट्स को डिवाइड किया और हम जो हैं उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इस तरह से हम इतनी सारी वैरायटीज़ के प्लांट्स को, जो हमने बोला आपको 250,000 के करीब जो हैं, उनको हमने याद कैसे करना है। तो छोटे छोटे ग्रुप्स में पहले हमने देखा हर्ब शर्ब ट्री, देन क्रीपर क्लाइंबर, यहाँ तक आज हमने पढ़ा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप जो है 69 पेज की अच्छे से रीडिंग करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।